ये एक रूल है थ्री 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 रूल इट वर्क्स वंडर्स इस वजह से आपको जब पैनिक अटैक एंगजाइटी में जब पैनिक अटैक आता है ओके आपका तुरंत कंसंट्रेशन एक जगह पे लेके आता है आजकल तो बच्चे भी बोलने लगे हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ ओके आज मुझे बहुत मूड स्विंग्स हो रही है सुबह से मैम ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराई स्कूल में आपसे जो दस साल छोटा बंदा हो या आपकी वाइफ अगर छोटी हो दस साल छोटी शायद उसको पॉप सॉन्ग्स अच्छे लगते होंगे <laughs> आपको शायद आपको थोड़े दूसरे जनरेशन के सॉन्ग्स अच्छे लगते हो तो आप डिवोर्स के पहले आप काउंसलिंग के लिए आइए बहुत सारी शादियां बच जाती हैं इतने बड़े जो एज के लोग हैं वो डर के बैठे हुए कि अरे मैं पागल जैसे अभी आप बता रहे थे <laughs> कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ मैं क्यों जाऊँगा थेरेपी लेने के लिए मैं क्यों काउंसलिंग के लिए जाऊँगा तो क्या ये बच्चे पागल है नो दे आर सो ब्राइट Uh, ये इमोशंस बाहर निकालने भी जरूरी है आपको पता है कि मैं कुछ फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ मेरी मुझे डेली uh, रूटीन में भी मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से कि मैं अपने डेली रूटीन भी नहीं कर पा रहा हूँ एट दैट टाइम यू हैव टू गो टू साइकोलॉजिस्ट और यू हैव टू टेक काउंसलिंग और थेरेपी डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गट एंड माइंड आर इंटरकनिक्टड यहाँ पे सब ठीक होगा तो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो इधर भी गड़बड़ है ठीक है लोग क्या सोचते हैं कि कि मंडे टू फ्राइडे आई एम वर्किंग सैटरडे संडे मैं छुट्टी ले लूंगा मुझे मुझे इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इट वर्क दैट वे ऐसा लगता है इमोशनल हेल्थ आपके माइंड के साथ में बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होती है तो इस चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट करो और समझाओ प्लीज सामने वाले को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस पार्टनर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस और खुद को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस उस वजह से हम सोचते हैं कि अगर ये छोड़ के चला गया मेरी लाइफ खत्म हो जाती है मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करना नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे कैसे हो आप मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो एकदम बढ़िया एंड थैंक यू कि आपने टाइम दिया और बिकॉज मुझे लगता है कि uh, हमारी ऑडियंस को आने वाले यूथ को अब कहने के लिए ये ईजी है कि हम इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे लाइक मेंटल हेल्थ पे बट पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ देखो डरना किसी भी चीज़ से नहीं है ठीक है हर चीज़ का ना एक सोल्यूशन होता है हर चीज़ का एक फेस होता है कभी लो भी होता है कभी अप भी होता है तो अप एंड डाउन्स ना दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ अब उसके कारण बहुत सारे में एन्जाइटी डिप्रेशन ठीक है हाँ. कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो जाती है हुँ. कि हम अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं ठीक है तो आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा जैसे अभी बहुत सारे मैंने ऐसे एपिसोड किए हैं जिसमें मैंने उनसे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट आपके पास आते हैं तो सबने मेरे को जो बताया ना कि एक तो रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही है ठीक yes. है जिसमें रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस बहुत ज़्यादा है ठीक yes. है एक दूसरे को समझने समझने भी नहीं पड़ता कि चीज़ें ब्रेक हो जा रही है जिसकी वजह से डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं ठीक है एंड एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या निकलता है ज़ीरो तो आज इन्हीं चीज़ों पे हम मैम से बात करेंगे लेकिन बिफोर टू स्टार्ट द पॉडकास्ट मैं चाहूँगा आप ये आपकी ऑडियंस है तो आपकी ऑडियंस को छोटा सा अपना ब्रीफ दीजिए आज वो किसको सुनने जा रहे हैं श्योर नमस्ते आई एम स्नेहा शिंदे साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम द फाउंडर ऑफ माइंडफुल ब्लेसिंग फ्रॉम द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स का ये मेरा एक्सपीरियंस है और बस आज मैं चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ परफेक्ट मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि मैं एक सर्वे भी पढ़ रहा था ठीक है वुमेन आर मोर लाइकली टू डायग्नोज कंपेरेटिवली मैन ठीक है अब दोनों की मेंटल हेल्थ कितनी डिफर होती है ये इस पर आप बताइए ठीक है बिकॉज हमने ना आज तक मैंने भी स्पेशली हमने मेंटल हेल्थ को ही बहुत ज़्यादा वो रखा है कि मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंस की मेंटल हेल्थ ठीक है लेकिन हमको ना वुमेंस की मेंटल हेल्थ भी समझनी चाहिए जबकि थ्री टाइम्स

लड़कियों को हम बोलते हैं कि तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है हम उनको ज़्यादा पूछते हैं कि तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तू रो रही है ठीक है रो ले कोई बात नहीं है तुझे ठीक नहीं है चल हम डॉक्टर के पास चलते हैं ओके okay, तो ये हम जो uh, हर चीज़ को इतने इजीली एड्रेस करते हैं विमेन के साथ ओके okay? इसीलिए हमें पता चलता है कि उन्हें ये तकलीफ़ हो रही है जैसे कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं ओके okay, कभी तबीयत ठीक ना हो वगैरह वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर हमारा माइंड ही ठीक ना हो तो हमारी तबीयत भी कैसे ठीक रहेगी एंड सेम इज़ विद मैन बस मैन का प्रेशर ये होता है कि उसको रोना नहीं है उसे ज़्यादा अपनी मन की बातें बतानी नहीं है वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते hmm. उस वजह से ऐसे लगता है कि उन्हें नहीं है बट एक्चुअली देर इज़ लॉट ऑफ उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ होते हैं एक तो लेडीज़ के लिए उन्हें फैमिली प्रेशर ओके जो रिलेशनशिप uh, प्रेशर फिर पेरेंटिंग प्रेशर ये सब चीज़ों को और ये सारी चीज़ों को एक्चुअली अच्छे से हैंडल करते करते काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उसे एंग्जाइटी भी हो जाती है तो यही चीज़ है एक्चुअली जो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों को भी प्रॉब्लम है ठीक है दोनों ने भी एड्रेस करना चाहिए और ये भी आज की ज़रूरत है कि हम इसको एड्रेस भी करें और इसके लिए ट्रीटमेंट भी लें ओके अभी आपने पेरेंटिंग बोला अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग ने भी आ, जो अपकमिंग यूथ है ठीक है उसको कहीं ना कहीं उनके माइंड को प्रेसराइज करके ठीक है अब इस चीज़ में गलत मत समझना बिकॉज ये आर्टिकल्स भी है और इसमें ये मेंशन भी है कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की वजह से ना जो कहते हैं ना कि अर्ली ट्रोमा आना वो भी आता है तो मैं उसमें एज भी मेंशन थी जो 16-17 साल के बच्चे हैं ठीक है टिल 24 तक वो कहीं ना कहीं इतना उस ट्रोमा में रहते हैं कि वो लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते पेरेंटिंग प्रेशर में आके पेरेंट्स को ये चाहिए पेरेंट्स को वो चाहिए कहीं ना कहीं वो अपनी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं फॉर पेरेंटिंग प्रेशर के चक्कर में इस ट्रोमा से कैसे बाहर निकल सकते हैं ये बताइए और पेरेंटिंग के लिए क्या एडवाइस रहेगी टू क्योर मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स या अपकमिंग जनरेशन ठीक है अभी आपने जैसे ये बताया कि जैसे यूथ को ज़्यादा प्रेशर है यूथ में ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है ओके आप मुझे ये बताइए कि हमारे टाइम पे हमारे बचपन पे हम अपने खुद के डिसीजंस कितने लिया करते थे हमारे पेरेंट्स ही अपने लिए डिसीजंस लेते थे वो जो कहेंगे वो हम फॉलो करते थे वो हम वैसी जनरेशन से आए हुए हैं और अभी फिलहाल ऐसी जनरेशन है मतलब इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑन पेरेंटिंग बट अभी ऐसे ही चल रहा है कि हमने बच्चों को इतनी राइट दे रखी है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले ऑल राइट right. तो उसमें क्या होता है एक ज़्यादा फ्रीडम आ गया है हुँ. बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी वजह से एक एंजाइटी और एक प्रेशर भी आ जाता है परफॉर्मेंस प्रेशर और राइट कि मैं ये कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं फ्रीडम तो पूरा मिल चुका है आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट आजकल की यूथ कुछ भी कर सकती है क्योंकि पेरेंट्स ने उन्हें बांधे नहीं रखा है जैसे पहले होता था तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और अभी आ, बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में ओके तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको एक्चुअली उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा यूथ में ज़्यादा जैसे अभी हम देखें फ्रेंडशिप्स में रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं आपको क्या लगता है वो कैसे ये डील करते होंगे जो बच्चा सोलह सत्रह साल के लिए उसके लिए तो ऐसे लगता होगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड मेरा ब्रेकअप हो गया है ख़त्म हो गई ज़िंदगी तो ये चीज़ उसको टैकल करना आना चाहिए और इसी में इतना ज़्यादा एक मानसिक धक्का लगता है इतना ज़्यादा ट्रॉमा होता है ये चीज़ का कि उसे पता नहीं है वो किसके साथ शेयर करे कितनी बार ऐसे होता है ना फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो उसमें भी बुलिंग हो जाती है पेरेंट्स को बता नहीं सकते दो यू हैव द फ्रीडम ओके बट एक होता है थोड़ा सा एक जनरेशनल गैप होता है या थोड़ी शर्म होती है उस वजह से पेरेंट्स के साथ उतना शेयर नहीं किया जाता बट वो जो ट्रॉमा आता है अगर राइट टाइम पर डील ना करो तो तो वो नेक्स्ट रिलेशनशिप्स में या उनकी शादी में आके जाकर उसका इफ़ेक्ट हो सकता है इसीलिए अगर आप देखो आजकल कल फिफ्टीन ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स ये सारे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं इनकी थेरेपीज चलती है काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा ये लोग काउंसलिंग ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा अवेयर है कितना अवेयरनेस है कि अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प अवेलेबल है आप जाके हेल्प ले लो इसके लिए दे वेरी फास्ट दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बढ़ रहे हैं उसके कौन से मेजर फैक्टर हैं जिनसे मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है आप sure. इसके दो तीन चार पाँच जो भी रीज़न आप बताना चाहो वो बताइए श्योर sure. सबसे पहला तो हम कहेंगे वर्क लाइफ प्रेशर है सेकेंड रिलेशनशिप इशूज़ और थर्ड मनी इशूज़ ये सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से मेंटल uh, प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है और अब ये पहले जैसे नहीं है जब पहले ऐसे होता था यू you नो know, पहले की जनरेशन में कि वर्क प्रेशर भी इतना नहीं होता था आज जॉब है और वो जॉब कंटिन्यू रहती थी अभी आप देखिए कितने सारे लेड ऑफ्स हो रहे हैं कितनी सारी फायरिंग्स हो रही है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और बहुत बहुत मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है

क्या इम्पैक्ट आता है कैसे इसको जब हम अब स्क्रोलिंग हर एक बंदा कर रहा है ठीक है मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो जो देख रहे हैं वो भी बहुत कर रहे हैं बट स्क्रोलिंग से कितना इफेक्ट हो रही है हमारी मेंटल हेल्थ हमको पता ही नहीं है आप जब फ़ोन लेते हो फॉर एग्जाम्पल फ़ोन है स्क्रीन है आप उसको स्क्रोल करते जा रहे हो आपको क्या विजुअल्स आ रहे हैं स्क्रीन फास्ट 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 नीचे जा रही है ओके okay? एक ठहराव नहीं है फास्ट जा रही है ओके okay? ये जो फ़ास्ट एक्चुअली ये जो uh, सामने जो विजुअल आ रहा है ना दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन इट कम्प्लीटली अफेक्ट्स योर ब्रेन क्योंकि ये फ़ास्ट विजुअल की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है hmm. उससे स्ट्रेस होता है और उससे टेंशन आ रही है ओके okay? और स्पेशली स्क्रोलिंग हम कब करते? तो करते हैं वैसे तो थ्रू आउट द डे करते हैं बट स्पेशली नाइट टाइम ये हर किसी का शेड्यूल हो चुका है शायद आपका मेरा <coughs> हम सब का <coughs> रात को सोने के लिए जाना है आप बेड पे लेटोगे आप फोन हाथ में लोगे आप स्क्रॉल करते रहोगे आप एक्चुअली बहुत थके हुए हो बट देन वो इतना टेंशन क्रिएट हो जाता है माइंड में उस वजह से आपको नींद नहीं आती अगेन देन लैक ऑफ स्लीपर स्लीप लीड्स टू एंगजाइटी दैट लीड्स टू स्ट्रेस दैट लीड्स अगेन टू पुअर मेंटल हेल्थ दिस इज द साइकिल अभी आपने हाँ, स्लीप की बात करी आई थिंक स्लीप भी तभी हमें प्रॉब्लम आती है जब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ठीक है जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो हम ऑफ कोर्स फोन हर एक बंदा देख रहा है ठीक है इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं येस yes. इस चीज़ में आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे क्यों ना करें जैसे कि अभी जो नाइट टाइम है जैसे हम बच्चों को करते थे ओके वही चीज़ खुद पे अप्लाई कर दिए नाइट टाइम है आप अपने रूम्स के या अपने घर की लाइट बंद कर दीजिए गो अर्ली इन योर बेडरूम टू स्लीप आपको नींद नहीं आ रही है उस वक्त ठीक है बट यू गो अर्ली आप लाइट डाउन करिए आप लाइट्स ऑफ करिए बेडरूम के ये एक एटमोसफियर है जो आपके ब्रेन सेल्स को बताएगा ठीक है कि अभी सोना है ये एक मैसेज भेजता है दिज आर न्यूरो ये आपको जब मैसेज भेजेगा तब आपको धीरे धीरे नींद आएगी जिनको लैक ऑफ स्लीप या poor स्लीप का प्रॉब्लम है उन्होंने ये एक जो शेड्यूल है ये फॉलो करना ज़रूरी है ओके okay? इससे बहुत हेल्प होगा कि आपको स्लीप आ जाए और रात को सोने के पहले ये बहुत ज़्यादा एडवाइसड है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए आपके जो थॉट्स होते हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि इतने सारे हमें थॉट्स होते हैं हम इतनी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं वो थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं आपको क्या करना है आपको बस थोड़ी देर बैठना है एक जगह पे ऐसा नहीं है कि आपको लाइक एक पोजीशन में बैठना है वेर एवर यू कैन सिट ऑन योर बेड एज वेल आप बैठ जाओ ठीक है शांत रहो और बस डीप ब्रीदिंग करो आप जब डीप ब्रीदिंग करते हो ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ये छोटी चीज़ है बहुत ज़्यादा अंडर है इसे करो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा एंड दैट इंटर्न विल हेल्प यू टू स्लीप Yeah. आज के यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत है करियर को लेकर रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग की लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम कब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग को इग्नोर कैसे किया जा सकता है इसके पीछे कुछ बता सकते हो आप पहली बात तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है और जितनी ज़्यादा हमें ऑप्शंस अवेलेबल है yeah. उस वजह से ओवरथिंकिंग हमें ज़्यादा होगा ठीक है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल ओवर थिंकिंग स्ट्रेस एंग्जाइटी ये नॉर्मल चीज़ें हैं ठीक है ये जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाए देन यू नीड हेल्प तब हमें अपने आप को भी हेल्प करना है उसको रिड्यूस करना है हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ओवर थिंकिंग में पहले एक्सेप्ट करिए ठीक है कि हम जो थिंक कर रहे हैं हम जो सोच रहे हैं ये क्या एक्चुअली हमारे साथ अभी हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है ये जो भी हम ओवर थिंक कर रहे है, ये एक टेंशन होता है फ्यूचर का ऑल राइट right. तो इसको ये थॉट्स को हमने सेपरेट करना है प्रेजेंट और फ्यूचर को आप सेपरेट करिए कि प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है आगे होगा अगर होगा क्या ये ज़रूरी है कि ये होने वाला है नो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑल राइट तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आप रियलिटी पे आ जाते हो प्रेजेंट टेंस में आ जाते हो कि अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है और right, तो अभी ठीक है yeah. उसी वक्त आपके कितने थाट सेटल हो जाते इट इज़ मैजिक आपके बहुत सारे थॉट सेटल हो जाते हैं और आपको आप ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये आपने कर लिया फिर अगेन आपको मेडिटेट करना है अब जब मेडिटेट करने बैठते हो ठीक है तभी आपको बहुत सारे थॉट्स आते बहुत जम्बलिंग होती है थॉट्स की उसमें भी आपको समझ आ रहा है आ जाता है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअली नहीं हो रहा है मैंने तो ऐसे ही सोच लिया इसका ऐसे ही टेंशन ले लिया इट एक्चुअली हैपन्स ऑल राइट एंड एक्चुअली यू फील रिलैक्सड और आपको एक ना समझ आ जाती है उस वक्त कि मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए ठीक है और एक हैबिट आपको क्रिएट करनी पड़ती है आप जब भी ओवर थिंकिंग आपको मतलब बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में आने लगते हो बहुत ज्यादा सोचने लगते हो आपको तभी ना अपने आपको रिमाइंड नो सेटल योर सेल्फ शांत हो जाओ ठीक है ये हैबिट करने से बार बार करने से आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है okay. आपके पास में जो भी पेशेंट आते हैं आप उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे एक्सेस करते हो यस सी जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो एक तरीका होता है कि पहले वो हमें काफ़ी सारी अपने बारे में चीज़ें बताएगा कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है वो अपनी हिस्ट्री बताएगा ठीक है वो उनकी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ओके उनके सिम्टम्स पता चलते हैं कि उन्हें क्या 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 हो रहा है उस हिसाब से डायग्नोसिस बनते हैं ठीक है कि उनको शायद इंसोमिया है या डिप्रेशन हो रहा है ओके या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर कोई भी चल रही है वो उससे पता चल जाता है अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ एक्सेस करना चाहे इस ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट कैसे कर सकता है कि उसको एंग्जाइटी है उसको ओवर थिंकिंग है उसको डिप्रेशन है उसको एंगजाइटी फील हो रही है कैसे आप एक्सप्लेन करोगे एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस अच्छा ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ये एक साइकिल है right. जिसको हो रही है उसको स्ट्रेस भी होता होगा इन टर्न उसको एंग्जाइटी भी हो रही होगी एंगजाइटी में स्पेशली क्या होता है आप आपके ना हाथों पैरों की शक्ति चली जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील होती है वन यू फील अ लॉट ऑफ एंशियसनेस उस वक्त आपकी जो हैंड और लेग्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है आपको बहुत ना हाथ और पैर हल्के फील होते हैं ब्रेथलेसनेस होने लगती है उसके साथ हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है ये सिम्टम्स हैं एंगजाइटी के जब भी आपको ये फील होता है वेर एवर यू अगर आप घर पे हो या बाहर हो सिट डाउन एट वन प्लेस ओके आइज़ क्लोज करिए आंखें बंद करके थोड़ा ब्रीद करिए इन एंड आउट डीप ब्रीदिंग करिए यू विल ऑटोमेटिकली फील बेटर एक सर्वे और मैंने रीड किया था जिसमें ब्रेकअप के कारण ना उसमें गर्ल्स भी थी एंड बॉयज़ भी थे कि डेथ परसेंटेज बहुत हाई है स्पेशली ब्रेकअप के कारण ठीक है अभी मैं बा, उनकी बात करूँगा जो गर्ल फ्रेंड एंड बॉय फ्रेंड है उसके बाद मैं मैरिज आफ्टर मैरिज की बात करूँगा ठीक है और वो जो ट्रोमा है वो गर्ल्स uh, में भी है एंड बॉयज में भी है ठीक है उस ट्रोमा को कैसे हैंडल कर सकता है ब्रेकअप के सिचुएशन को आफ्टर ब्रेकअप सिचुएशन यूथ कैसे मैनेज करे उस ट्रोमा को इस पर थोड़ा सा बताइए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आई एम सो थैंकफुल टू यू बिकॉज ये आजकल की इतनी नीड है ना और यही हो रहा है आप देखिए ना हमारे आस कितने ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं और सुसाइड रेट्स किन में बढ़े ये एज ग्रुप आप देखिए यूथ में ओके okay? और ये इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री अगर ब्रेकअप हो रहा है ओके okay? क्या हो गया ब्रेकअप हो गया तो क्या बात हो गई इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम हो गया एक्सेप्ट करो हो गए ब्रेकअप ठीक है क्या हम मूव ऑन नहीं कर सकते हम कर सकते हैं मूव ऑन अगर ब्रेकअप क्या होता है व्हेन यू आर इन अ वेरी लवली रिलेशनशिप अ रोमांटिक रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ठीक है हमें तब लगता है कि हम लोग पूरी लाइफ साथ में ही गुजारने वाले हैं। हम कभी सेपरेट नहीं होंगे वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट बन जाती है एक दूसरे के साथ कि ब्रेकअप हो जाने के बाद हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो चला गया है हमें छोड़ चुका है और जस्ट मूव ऑन कर गया है सो यू बेटर एक्सेप्ट दिस कि ये हो गया है ऑल राइट right. <clears throat> इसके साथ आप कोशिश करो मूव ऑन करने की मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करना नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ये आप करोगे या फिर से उसी साइकिल में फंसोगे क्योंकि आप पहले इससे आप रिकवर नहीं हुए हो ठीक है ये दूसरी साइकिल में या दूसरी रिलेशनशिप में तुरंत जाना क्या है एक डिफेंस मैकेनिज्म है ओके hmm. okay, ये आप रिबाउंड मत करिए ये चीज़ को <clears throat> आप पहली बात तो आप रुकिए हील फ्रॉम वन थिंग एट अ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन आप जब पूरी तरह हील हो जाओगे तब एक्चुअली आपकी थिंकिंग भी क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या चाहिए शायद ऐसे हो सकता है कि पहले आपने जो रिक्वायरमेंट्स पहले आपको चाहिए थी किसी रिलेशनशिप में वो अभी आपकी ना हो वेन यू सेटल डाउन आपके थाट सेटल हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी आपको कैसी व्यक्ति चाहिए या शायद अभी नियर नियर फ्यूचर में मुझे किसी रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है और ये ब्रेकअप है इससे स्ट्रेस आता है ओके एंड एक्चुअली रियलाइज़ वन थिंग एक्सेप्ट वन थिंग कि ब्रेकअप इज़ अ प्रोसेस ओके आज मैं इस टॉपिक पर काफ़ी इलेबरेट कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर सो आप ये प्रोसेस को एक्सेप्ट करो आप बहुत ज़्यादा ना दुख से गुजरने वाले हो आप रोने वाले हो क्राई आउट लेट यू इमोशन्स यू नो कम आउट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने वाला है आपको बहुत टेंशन फ़ील होने वाली है एंड रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होने वाला है इट्स अ प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप ये सारा इन चीज़ों से गुजरोगे एंड देन यू विल कम आउट ऑफ इट और ये होगा ठीक है तो आप बीच में ही फसो मत कि नहीं हो रहा है लेट इट हैपन लेट इट हैपन तो थोड़ी आप महीने शांत हो जाइए अभी आपने रोने की बात करी अच्छा रोने के क्या बेनिफिट्स हैं और ये मेंटल हेल्थ को किस तरीके से हील करता है रोने के एक्चुअली एकदम कॉमन बेनिफिट है इमोशंस बाहर आ रहे हैं आप ये इमेजन करिए हम बहुत ज्यादा दुख में है किसी ने हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर लिया वेरी कॉमन फेनोमेना, ठीक है हमें बहुत तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा ओके उस वक्त आपको क्या फील होता है चेस्ट में टाइटनेस फील होती है ठीक है उसके बाद आप रोना शुरू कर दो रोना मतलब क्या होता है पहले चेस्ट में टाइटनेस फील होगी फेस पे टाइटनेस फील होती है एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग ओके इट इट्स अ साइकिल इट्स अ प्रोसेस दिस वे रो लो ना इमोशंस बाहर पड़ेंगे फिर आपको हल्का फील करेगा अगर आप नहीं रोते हो अगर आपके इमोशंस बाहर नहीं पड़ते हैं ठीक है तो ये इमोशंस अंदर ही रह रहे के ओके okay? आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगेगा आप आप स्माइल नहीं कर पाओगे आप हंसना भूल जाओगे ठीक है आप सोशलाइज नहीं करोगे बिकॉज वो इतना ज़्यादा एक एंजाइटी हो जाती है और सेल्फ hmm. ब्लेम हो जाता है उसमें यू विल नॉट टॉक टू एनी बडी यू विल नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस इसीलिए आप रो लो इमोशंस बाहर निकालो ठीक है यू विल फील बेटर एक रिलेशन कब टॉक्सिक हो जाता है बिकॉज आपके पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे एंड आप इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं उस रिलेशन <coughs> उस टॉक्सिकनेस टौक, की वजह से हम उन चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं हम छोड़ते नहीं हैं एंड इट बिकम वर्स्ट तो कब पता कब पता चले या कब हमें समझ आना चाहिए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया है वन डज अ रिलेशनशिप गेट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप में कितने लोग होते हैं दो लोग जब ये दो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कम दे या डिसरिस्पेक्ट करे किसी और के सामने इंसल्ट करे ओके okay? या इसमें अब्यूज़ आ जाए इसमें ग्रांटेड uh, लेने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दैट इज़ टॉक्सिकनेस ओके तो जब हमें और ये सबको रियलाइज़ हो जाता है एवरी रिलेशनशिप में uh, किसी को ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि सामने से हमें क्या वाइब्स मिल रहे हैं ओके okay? अगर ये ऐसे हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो इससे आपको आपको खुद को ही चल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है एवरी डिसीजन इज सेल्फ मेड डिसीजन वेन यू डिसाइड दैट यू हैव टू मेक अ चेंज अबाउट इट यू विल मेक अ चेंज ओके थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ अपने आप में ये हम हुँ. सब लेके आ सकते हैं ये एक सब में इनबिल्ट क्वालिटी है हमें भगवान ने दे रखी है मैं एक केस स्टडी आपको देता हूँ अब आपको इसको मेजर करना है ठीक है और एक्सप्लेन भी करना है और इसका सोल्यूशन भी बताना है sure. बहुत सारे मैंने अभी पीछे कुछ लव लव रिलेशन के पॉडकास्ट किए थे तो मेरे को मैसेज आते थे कि नो बडी अंडरस्टैंड आर फीलिंग ठीक है वो कितनी ज़रूरत थी मेरी लाइफ के लिए बट वो तो मुझे छोड़ के चली गई ठीक है हुँ. अब उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है ठीक है मुझे ना कुछ समझ आता है ना कुछ मैं उस रिलेशन में इतनी ज़्यादा डेप्थ में जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ कि मुझे अब सिर्फ सुसाइड ही समझ आ रहा है <laughs> कैसे समझाओगे आप उस ऐसे पेशेंट को ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ओके okay. उन्होंने अपनी लाइफ सामने वाले के नाम पर इतनी ज़्यादा कर दिए सामने वाले को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कर दिया है कि उन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं रहता इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है सामने वालों से कि उसको लगता है कि इसके अलावा इसके बिना मेरी लाइफ है ही नहीं ऐसा क्यों है? है ना लाइफ ओके okay. तो ये सामने मतलब ये अपने क्लाइंट को पेशेंट को ये रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है जब हम ये रियलाइज़ कराते हैं तो उसको लगता है कि ओके मैं भी कुछ खुद हूँ ऑल राइट और जैसे हम आ, आपने अभी सुसाइड के बारे में बात की तो मैं वही बोलूँगी अगर रिलेशनशिप में अगर सामने वाला अगर यू you नो know, छोड़ रहा है या ब्रेकअप हो रहा है ठीक है तो ये एक्सेप्ट करिए जब ये एक्सेप्टम्स अपने आप में आ जाएगा ठीक है आप अपने आप मतलब कोशिश करोगे कि आप इस चीज में से बाहर आ जाए एंड व्हेन दैट हैपेंस ना तो आपकी जो जो आपको सेल्फ ब्लेम हो रहा है जिस वजह से आपको सुसाइड टेंडेंसी आ रही है वो भी कम हो जाएगी बट okay, सुसाइड uh, करने की सिचुएशन वैसे आती कब है लाइक like, uh, कि फर्स्ट डिप्रेशन एंग्जायटी ठीक है ओवरथिंकिंग देन सुसाइड कैसे um, uh, कोई भी कै? मतलब मरना uh, देखो मरना तो एक दिन सबने है ही ठीक है बट अपने आप से मरना सुसाइड करना ये बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है ना कि ये इतना तगड़ा डिसीजन भाई कोई कैसे ले सकता है यार और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई उसकी लाइफ में जो तू सुसाइड तक पहुंच गया और बहुत सारे यूथ को मैं बोलना भी चाहता हूँ यार आप अपनी खुशी के खुद ठेकेदार बनो आप अपनी exactly, खुशी के दूसरे को ठेका मत दो तो मैं यही तो मैं भी सबको यही बताती हूँ कि आप इतने एक्सपेक्टेशन सामने वालों से रखते ही क्यों हो पहली बात तो ओके योर हैप्पीनेस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद खुश रहो ना और क्या होता है कि जब मैं जैसे यही बता रही कि सामने वाले से हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है ठीक है उसमें हम अपने आप को बहुत कम इम्पॉर्टेंस देते सामने वाले को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस पार्टनर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और ख़ुद को बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस उस वजह से हम सोचते हैं कि अगर ये छोड़ के चला गया मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती है इसी थॉट से आगे की चेन स्टार्ट होती है और राइट इसी थॉट से टेंशन आना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा टेंशन ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या चल चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी मेरा क्या होगा मैं और आप इतनी ज़्यादा इस चीज़ में इस रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपकी सोशल रिलेशनशिप्स भी बहुत कम हो जाते हैं लोनलीनेस आ जाती है दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जहाँ से हमें ये फील होने लगता है कि अगर ये बंदा मेरे साथ नहीं रहा ठीक है मैं लोनली हो जाऊँगा या लोनली हो जाऊँगी ठीक है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा एंगजाइटी hmm. हो जाती है एंड देयर कम्स अ मोमेंट ऑफ वीकनेस इन विच यू कम सुसाइड हम जब भी फिटनेस की बात करते हैं <coughs> तो फिटनेस में हम ये सबसे पहले जो आता है फिजिकल फिटनेस यस yes. ठीक है फिजिकल फिटनेस में मतलब डोले बना लिए एप्स बना लिए ठीक है अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो ठीक है उसके बाद कहीं ना कहीं हम मेंटल हेल्थ को ना भूल जाते हैं ठीक है हमको पता है कि भाई मेरे को बॉडी बनानी तो मेरे को रनिंग भी करनी पड़ेगी मेरे को जिम भी जाना पड़ेगा मेरे को वेट भी उठाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हर एक बंदा घर पे बैठ के या कहीं बाहर जाके या किसी भी तरीके से कर सकता है कुछ मेंटल हेल्थ की ऐसी एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए हम सबको श्योर sure, श्योर sure. <coughs> <coughs> जैसे अभी आपने एक्सरसाइजेस के बारे में बताया रेगुलर एक्सरसाइज ओके ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं बट ये आपके आई टेल यू द प्रोसेस ओके आप, uh, process, okay? आप uh, सुबह उठ के वॉक पे चले जाइए ठीक है आप वॉक पे चले जाते हो क्या हो रहा है आपको लगेगा आप वेट लूज़ करके आ रहे हो होता होगा वेट भी लूज करते होंगे आप उसमें बट एक्चुअली ये आपकी बॉडी को एक हैप्पी हार्मोन भेज रहा है ओके टू योर ब्रेन और कैसे होता है कि आप जब सुबह सुबह बाहर चले जाते हो बहुत अच्छा एटमोसफियर होता है क्लीन एयर होती है आप अच्छी ब्रीदिंग करते हो ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गुड ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ ओके बिलीव मी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होके आ रही है आप बहुत मतलब एक फ्रेश फील होता होता है सुबह की वॉक स्पेशली व्हेन यू कम बैक यू ऑलवेज फील वेरी फ्रेश ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी ही है ये एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन सेरोटोनिन एंड डोपेमिन आपके ब्रेन को पहुंचाती है ओके okay? उसकी वजह से यू फील वेरी हैप्पी यू फील वेरी गुड एंड दीज हारमोन्स टू स्टे अफ्लोट टू टू कीप अ रेगुलर बैलेंस इन योर बॉडी उसके लिए आप जैसे मैंने कहा वॉक पे चले जाइए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेट करिए आप योगा करिए एंड मैं एक्चुअली दिस इज़ माय ओन ट्रिक मैं जो हमेशा अपने सारे क्लाइंट्स uh, को बोलती हूँ आपके ब्रेन को ना एक आदत हो चुकी है रोज़ की चीज़ें जैसे चल रही ना विद द सेम फ्लो करने की यू हैव टू चेंज द फ्लो ताकि आपकी आपका ब्रेन शार्प हो जाए मेमोरी की भी काफ़ी शार्प हो जाए ओके okay? और आपका परफॉर्मेंस बढ़े इन योर वर्क एंड एवरी थिंग वॉट इज द नॉर्मल ट्रिक फॉर दैट अ वेरी गुड ट्रिक एक्चुअली स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद योर लेफ्ट हैंड ओके अच्छा ये अच्छा, yes, ये अच्छा कैसे बताइए जैसे आप ब्रश कर रहे हो हम सब क्या कहते हैं ओके okay? सुबह बाथरूम में चले गए टूथपेस्ट लिया ब्रश पे डाला और हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं ठीक हाँ. है डू दैट विद योर लेफ्ट हैंड स्टार्ट डूइंग इट इसकी वजह से जो नॉर्मल काम है वो नॉर्मल नहीं लगता ब्रेन प्रेशर दे रहा है ना फिर कोई चीज़ करने के लिए उसको आदत हो गई वो लिथार्जिक हो गया है ओके okay? hmm. आलस में आ गया उसको एक्टिव करिए ये आप करोगे ना इस चीज से ब्रेन काफी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ओके विच इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल और फिर आप कभी कभी लेफ्ट हैंड से खाने लीजिए स्पून से यू कैन यू नो टेक टेक द स्पून एंड पुट अ माउथफुल इन योर माउथ इंटरेस्टिंग इट इज वेरी गुड ओके आप ये कर रहे हो आपको समझ में आप टीवी देख रहे हो आप खाना खा रहे हो ओके okay. कुछ एफर्ट लगा नहीं नहीं वो कुछ एफर्ट है एग्जैक्टली ये आप लेफ्ट हैंड से करिए एफर्ट है. है तभी माइंड भी जागरूक हो जाता है ठीक है है कि मैं कुछ अभी नया कर रहा एंड वो एफर्ट लेने लगता है करने के लिए सो दिस इन टर्म्स मेक्स योर ब्रेन शार्प ओके एंड मेक्स योर मेमोरी ऑल्सो वेरी गुड अभी हमने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बात करी ठीक है बट कहीं ना कहीं हम इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते या पहचान नहीं पाते बट मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल हेल्थ आपके माइंड के साथ में बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होती है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को फिर ख़राब भी कर देते हैं। जितना अच्छा इमोशंस उतना अच्छा हमारा माइंड जितने ख़राब इमोशंस उतनी ख़राब हमारी मेंटल हेल्थ तो इस चीज़ को थोड़ा सा इलाबरेट करो और समझाओ प्लीज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ ठीक है जैसे कि वर्क लाइफ एग्जाम्पल कंपनीज़ में सारे एम्प्लॉज़ जॉब पे जाते हैं काम कर रहे हैं नॉट एवरी डे इज़ अ नॉर्मल डे ठीक है हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है कभी कभी काम का इतना ज़्यादा प्रेशर आता है आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल है इट इज़ नॉट नॉर्मल ओके वो बंदे को इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा एक्चुअली और वो uh, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा कभी कभी एक परफॉर्मेंस uh, एंजाइटी उस वजह से हो जाती है ठीक है परफॉर्मेंस प्रेशर भी आता है देट इन टर्न मतलब उसके आगे फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है बट उसके पहले जब इतना सारा टेंशन आ रहा है और वापस नेक्स्ट डे तो काम पे जाना ही है फिर से वही चीज़ होने वाली है तो प्रॉब्लम ये है कि लोग एडमिट ही नहीं करते कि इस चीज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे तकलीफ़ हो रही है आप पहले एडमिट करो आप एक्सेप्ट करो ठीक है आप जब एक्सेप्ट करोगे तब आप अपने इमोशन्स को चेक में रख सकते हो <laughs> इस वजह से इतना ज़्यादा एक्चुअली इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना अंदर से लोगों को लोग ये भूल जाते हैं दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम सिर्फ बॉडीली नहीं कि मैं घर पे जाऊँगा मैं सो जाऊँगा मुझे ठीक लगेगा नो hmm. no, आप सो जाओगे ना तो आपकी बॉडी को ठीक लगेगा फिजिकली आपको बेटर फील होगा बट नॉट इमोशनली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बहुत ज़रूरी है कि आप दो दिन का ब्रेक ले लो ठीक है लोग क्या सोचते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आई एम वर्किंग सैटरडे संडे मैं छुट्टी ले लूँगा मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इट डजेंट वर्क दैट वे जब भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेन फील होने लगे आपको दो दिनों का ब्रेक आपको लेना बहुत ज़रूरी है ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू फील इमोशनली स्टेबल लेकिन इमोशनली स्टेबल uh, होना या इमोशनली पैटर्न uh, को समझना ठीक है और अपनी मेंटल हेल्थ को क्योर करना हुँ. लोग बा क्या करते हैं उस बीच में ना एल्कोहलिक बहुत हो जाते हैं ठीक है अडिक्ट हो जाते हैं अब वो चाहे ड्रग्स ले रहे हों चाहे एल्कोहल पी रहे हों ठीक है वो चीज़ हम थोड़ी टाइम के लिए ऐसा लगता है कि चलो मेर, मेरा माइंड शांत हो गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाकी आप इसमें बताना कि मुझे लगता है वो ना आपने वो डबल क्रिएट कर दिया डेफिनेटली तो हाउ एल्कोहल एंड वो कितना इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे सी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये चीज़ कि आ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे बहुत टेंशन हो रही है कॉमन लैंग्वेज मुझे hmm. बहुत टेंशन हो रही है ठीक है और आ, पीने बैठ जाते हैं लोग ओके ये क्या होता है इससे क्या हो जाता है टेंशन सॉल्व हो जाती है आज आपने पी लिया कल क्या टेंशन वो ख़त्म हो गई नहीं पीने से तो बस इल्यूजन माइंड में क्रिएट हो रहा है कि सब कुछ ठीक है ऑल राइट right? लेकिन उस वजह से और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है माइंड में hmm. जैसे ड्रिंकिंग um, है स्मोकिंग है डूइंग ड्रग्स इस वजह से एक बस माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन वन एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट और इन टर्न अगेन उस वजह से एक्चुअली टेंशन ज़्यादा क्रिएट होती है ठीक है एंगजाइटी ज़्यादा क्रिएट होती है और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं ना पोअर स्लीप का प्रॉब्लम बहुत कनेक्टेड है इस चीज़ से हुँ. तो ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि आपने ड्रिंक कर लिया आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है टेंशन फील हो रही है आपने ड्रिंक कर लिया नो एक्चुअली इससे और ज़्यादा तकलीफ होगी माइंड के लिए और ज़्यादा फिजिकली और डाइट और क्या कॉम्बिनेशन लाइक फूड और यस ये एक जैसे हम बोलते हैं अच्छा खाओ अच्छा सोचो है ना ये आपने बहुत सुना होगा उसके लिए आप फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करिए ठीक है फ्राइड फूड्स हैं फास्ट फूड्स हैं अवॉइड करो आप घर का खाना ज़्यादा खाओ टेक फाइबरस डाइट फ्रूट्स ले लो ज़्यादा फाइबर्स अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करो थोड़ा प्रोटीन इंक्लूड करिए ये एक्चुअली वंडर्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड के लिए ओके और जितना आप घर का खाना खाओगे ना उसकी वजह से लाइक अपना एक मेन क्या होता है गट हेल्थ ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गट हेल्थ जो स्टमक में जो अपनी गट हेल्थ होती है वो एक वो बैलेंस रहती है स्टेबल रहती है अपना माइंड जब भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं जैसे टेंशन आ जाता है बहुत स्ट्रेस हो गया ना आपको पहले इफेक्ट बॉडी पे फील होगा क्या होता है स्टमक प्रॉब्लम्स लूज टूल पास करना स्टमक प्रॉब्लम्स स्टमक क्रैम्प्स ये बहुत कॉमन चीज़ है ओके okay? तो हमारा इसके लिए डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज गट एंड माइंड आर इंटरकनिक्टड

एल्कोहल लेने के बाद ना बंदा थोड़ा ना शांत फील करता है तो वो कौन से टॉक्सिक और वो कौन से ऐसे एल्कोहल में होते हैं कि माइंड ब्रेन को स्क्वीज कर देते हैं इट्स इट्स नॉट एग्जैक्टली स्क्वीजिंग बट थोड़ा ड्रिंक करने में देखिए आई एम नॉट एडवोकेटिंग ड्रिंकिंग बट थोड़े ड्रिंक से ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती बट वेन इट बिकम्स एन रिकरेंट पैटर्न

स हाँ वेरी इम्पॉर्टेंट हम ऐसे बोले ना कि वीमेन में एक्चुअली एड्रेसिंग ज़्यादा है मैन hmm. एड्रेस ही नहीं करते कि मुझे कोई प्रॉब्लम है क्योंकि सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना परफॉर्मेंस hmm. प्रेशर <laughs> बहुत ज़्यादा right. है कि मुझे ही मेरे घर को देखना है माँ बाप को देखना है पत्नी को देखना है बच्चों को देखना है उस वजह से uh, जो एक प्रेशर होता है माइंड में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे प्रॉब्लम है पहले एक्सेप्ट तो करो फिर हम आगे की ट्रीटमेंट लगेंगे आगे का प्रोसेस जानेंगे और वो करेंगे वेर इज़ लेडीज़ में क्या होता है ना कि शुरू से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी तकलीफ़ हो गई तो लेडीज़ uh, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन ओके तो ये वही चीज़ है कि उन्हें अगर टेंशन भी हो गया हो ना तो दे अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या हो रहा है क्योंकि वो अपनी हर चीज़ को एड्रेस ज़्यादा करती हैं लेडीज़ ओके तो इस वजह से उन्हें ये भी पता चलता है कि अच्छा मुझे ये हो रहा है और uh, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है कोई भी चीज़ उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो फीमेल्स को यह पता चल जाता है ओके okay? इसलिए वो तुरंत एड्रेस करते हैं लेकिन एड्रेस करने के बावजूद भी आप मुझे बताइए उसमें से कितने लोग डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं बहुत कम किस से मतलब हम थेरेपी की बात करते हैं ना कौन सी वो स्टेज है जहाँ पे हमें थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या थेरेपी लेनी चाहिए पहले जब प्रॉब्लम्स होती थी बहुत ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन फील होता था आप पहले किसके पास जाते होंगे ट्वेंटी ईयर्स बैक आप किसके पास जाते होंगे आपके दोस्त के पास हाँ. आप अपने दोस्त के पास जाएंगे ठीक है अब उसको अपनी सारी तकलीफ़ बताएंगे या फिर फैमिली में हर फैमिली में ना ऐसे दो तीन लोग होते हैं ठीक है कि हमें कोई भी चीज़ की तकलीफ हो जाए भले ही मैंटली uh, स्ट्रेस्ड हो या पैसे की भी प्रॉब्लम आ जाए आप वो दो ही तीन लोग होते हैं हर एक फैमिली में जो आप उनके पास जाते हैं ठीक है और वो लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग होते ना कि मैं इनकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उनके पास उनका मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है वो आजकल है ही ऐसे आजकल ये नहीं, नहीं है नहीं है क्योंकि वाई दर आर ट्रस्ट इशूज़ ओके आप अपने फ्रेंड के साथ भी अपनी सारी जो मतलब सीक्रेट चीज़ें हैं जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही प्रॉब्लम्स हो रही होगी आप नहीं शेयर कर सकते बिकॉज रिलेशनशिप्स uh, पहले जैसे नहीं रहे पहले एक बार रिलेशनशिप बन गए इट यूज़ टू बी फॉर अ लाइफ टाइम अभी कितनी फ्रेंडशिप्स है जो पूरी लाइफ टाइम के लिए है mm -hmm. या फैमिली में भी इतना पहले जैसा वो बॉन्डिंग रिश्तेदारों में वगैरह क्योंकि मिलना ही कम हो गया ना न्यूक्लियर फैमिली का जो ज़माना है अभी तो उसकी वजह से वो बॉन्डिंग नहीं रही है ठीक है तो आपको जब आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा और इतनी ट्रस्ट इश्यूज़ है कि आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता पाते ठीक है बट आपको आ, ये इमोशंस बाहर निकालने भी ज़रूरी है आपको पता है कि मैं कुछ फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ मेरी मुझे डेली uh, रूटीन में भी मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से कि मैं अपने डेली रूटीन भी नहीं कर पा रहा हूँ एट दैट टाइम यू हैव टू गो टू साइकोलॉजिस्ट और यू हैव टू टेक काउंसलिंग और थेरेपी बहुत ज़रूरी है मेंटल की भी ना एजेस होती है ठीक है मैं देख रहा था एक आर्टिकल में लाइक सोलह से सत्रह अट्ठारह बीस बाईस साल देन उसके बाद चौबीस से तीस साल एंड देन तीस के बाद फिर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ठीक है तो आपके पास जो जनरल क्लाइंट्स आते हैं वो किस एज ब्रैकेट के आते हैं एक्चुअली uh, सारे एज ब्रैकेट्स के आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैंने तीन कैटेगरी देखी सोलह से बाईस <coughs> फिर पच्चीस से तीस हुँ. फिर तीस से लेके वो पैंतीस छत्तीस ठीक है तो उनकी मेंटल हेल्थ में क्या क्या डिफरेंस समझ आता है आपको कि 16 से 22 में ये होती है 25 से 30 में ये होती है और 30 से 35 में ये प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में हम अपने लाइफ पैटर्न देखें ठीक है तो हम जैसे बड़े होते हैं हम जिस जिस सिचुएशंस में जाते हैं उसी सिचुएशन की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने सोलह से बाईस बोला राइट right? वो एक स्टूडेंट का एज है दैट एज ग्रुप राइट नाउ हम जो बोलते हैं जेनजी जैसी एज ग्रुप है ओके ये स्टूडेंट फेस का एज ग्रुप है और दे आर वेरी एक्टिव बिलीव मी इतने एक्टिव है और ये लोग जैसे जो अभी फोर्टीज़ uh, के उम्र के बाद के लोग इतना नहीं जाएंगे थेरेपिस्ट के पास बट ये लोग बहुत जाते हैं अपने पेरेंट्स को बोल के परमिशन ले के अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले और पेरेंट्स भी बहुत कॉन्फिडेंस uh, दे रहे बच्चों को कि आप जाइए आप थेरेपी लीजिए काउंसिलिंग लीजिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर सो अवेयरड आई मीन आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज तो ये एक uh, बहुत अच्छा चेंज है ओके okay, तो इनके तो कॉमन uh, इश्यूज होते हैं ऑलराइट रिलेशनशिप इशूज़ हैं इस एज ग्रुप में ब्रेकअप्स है फिर कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज है फॉर स्टडीज़ और वन ब्लूमिंग चेंज जो है जिसके लिए आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे um, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल चुका है hmm. वहाँ पे शिफ्ट होना है ऑल राइट बट यू नो लॉट ऑफ टेंशन लो ऑफ कॉन्फिडेंस एंगजाइटी कि मैं अकेला वहाँ पे कैसे रहूँगा? तो इस चीज़ के लिए भी काउंसलिंग होती है थेरेपीज़ होती हैं ऑल right? तो इस चीज़ के लिए भी आते हैं इट इज़ सो नाइस एक्चुअली मतलब अब सोचिए कि ये लोग uh, कितना ज़्यादा अवेयर है और कितना मतलब अपने बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं Okay. वैसे आपने बड़ा अच्छा टॉपिक मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया अदरवाइज नहीं तो काउंसलिंग ना हमारे लाइक like, बीस साल पहले काउंसलिंग को ये समझा जाता था कि यार ये तो पागल हो गया है काउंसलिंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन ये समझते थे कि भाई इसके ये पागल हो गया है बट hmm. uh, hmm. अच्छा है मुझे लगता है कि uh, जिस यूथ को चाहे वो uh, उसको अपने uh, एजुकेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ आ रही है, yes, आ रही है है रिलेशन अगर वो yes. कर रहा है और बहुत means? अच्छे से हैंडल करते हाँ। हैं मतलब मैं इतनी सरप्राइज हो और मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतने बड़े जो एज के लोग हैं वो डर के बैठे हुए कि अरे मैं पागल जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं पागल थोड़ी ना हो मैं क्यों जाऊँगा थेरेपी लेने के लिए मैं क्यों काउंसिलिंग के लिए जाऊँगा तो क्या ये बच्चे पागल है नो दे आर सो ब्राइट दे आर सो वेरी ब्राइट सो इंटेलिजेंट सो सो क्लेवर कि इनमें ये विजडम है ठीक है कि मुझे ये ये चीज़ अफेक्ट हो रही है गेट अ सोल्यूशन फॉर दिस और मूव ऑन आगे बढ़ो तीस से ऊपर की एज में क्या डिफरेंस आता है मेंटल से ऊपर ये कौन सा एज ग्रुप है नई नई शादी किया हुआ ओके okay? जो लाइक फ्रॉम द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थर्टी न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं उनके इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप इश्यूज ओके लाइक कपल इश्यूज जो हम बोलते हैं वो लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होना इन लॉज के बीच में यू you नो know, एक तालमेल नहीं जमता है वो uh, वो थोड़ी बॉन्डिंग जो नहीं क्रिएट होती है स्टार्टिंग के में जनरली ऐसा होता ही है हुँ, हुँ. तो उसके लिए भी काउंसलिंग uh, थेरेपीज लेने के लिए कपल साथ में आते हैं तो एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल मेरे पास uh, एक कपल uh, आए थे ऑफकोर्स आई विल नॉट रिवील द नेम फॉर ऑबियस रीज़न्स तो नई नई शादी हुई थी इंटरकास्ट मैरिज था और शादी के एक साल बाद ही उनमें मतलब लव, लव मैरिज होने के बावजूद भी इतने सारे इश्यूज आने लगे बिकॉज़ क्या होता है ना कि पहले आ, रियालिटी का चेक इतना नहीं होता है बिफ़ोर मैरिज आफ्टर मैरिज एज़ अ रियलिटी चेक बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो जाता है और पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना पड़ता है इट्स नॉट जस्ट हजबैंड वाइफ इट इज़ द फुल फैमिली टुगेदर तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बट जब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिवोर्स के पहले आप काउंसलिंग के लिए आइए बहुत सारी शादियां बच जाती हैं बहुत ज़्यादा और इन्होंने तो विद इन टू मंथ्स इनकी शादी बच गई एंड नाउ दे आर हैविंग अ ब्यूटीफुल चाइल्ड टुगेदर नो परफेक्ट अभी आपने मैरिज <coughs> की बात करी मैं आपसे वैसे जनरली पूछू बिकॉज तो इतने सारे पेशेंट आप आते हैं आपके पास में uh, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का इशू ये भी होता है कि एज का गैप इज गैपो लाइक ये आफ्टर मैरिज की बात कर रहा हूँ ठीक है कि अगर पार्टनर में एज गैप बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अनबन होगी जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट अफेक्ट हो गई होगा हाँ, हो सकता आपके हिसाब से क्या बेस्ट एज होती है कि इस एज में आपको शादी करनी चाहिए या ये एज एक सुटेबल uh, एज है जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ पाओ अ वेरी थिंग सी uh, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो आप शादी तब करो वेन यू आर मैंटली प्रिपेर्ड दैट आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ एंड अन अदर ह्यूमन बींग जब आप वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो देन यू आर रेडी फॉर मैरिज फर्स्ट ऑफ ऑल और uh, शादी में आप ऐसे देखें ना कि भले ही अगर हस्बैंड वाइफ में सपोज हसबेंड का बिकॉज इट्स एन इंडियन सोसाइटी तो जनरली हसबेंड की एज जनरली ज़्यादा होती है अगर बहुत ज़्यादा सात आठ साल या दस साल ज़्यादा हो जनरली अब ऐसा होता नहीं है पर फिर भी अगर ऐसा हो तो एक जनरेशन uh, गैप ही आ गया ना बीच में सात साल के बाद तो एक जनरेशनल गैप आ, आ, आ गया बीच hmm. में अगर वो तो उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है सम पीपल टेक इट वेरी नाइसली कोई लोगों में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग इशू आ जाता है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे जो दस साल छोटा बंदा हो या आपकी वाइफ अगर छोटी हो दस साल छोटी शायद उसको पॉप सॉन्ग्स अच्छे लगते होंगे <laughs> आपको शायद आपको थोड़े दूसरे जनरेशन के सॉन्ग्स अच्छे hmm. लगते होंगे अगर आप सा, साथ में बैठते हो ठीक है शी वुड नीड अ कैफे लेटे यू वुड नीड चाय तो सम पीपल एक्चुअली जेल वेरी नाइसली सम पीपल मेक नॉट मे बट यू नो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं लाइक दिस और फिर क्या होता है कि uh, यही चीज़ है कि आप ये छोटे जो भी इशूज़ हैं ना एक्चुअली ऑल द इशूज़ आर एड्रेसेबल सारी चीज़ें को सारी चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं सॉल्व हो सकता है सब कुछ सॉल्व हो सकता है बट हमें बस एक्सेप्ट करना होगा कि क्या मुझे सॉल्व करना है ठीक है ये एक थाट है अपने माइंड में हमेशा ये थाट लेके आओ एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ ठीक है ये प्रॉब्लम हो रही है एक्शन लेना है मुझे इसके लिए मुझे ये सॉल्व करना है वेन यू थिंक दिस ना यू विल टेक अ सोल्यूशन फॉर दिस फिर आप ढूंढोगे कि चलो मैं काउंसिलिंग या मैं थेरेपी लूँ मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लूँ और अभी तो चलो जैसे ये ये बहुत कॉमन चीज़ है अभी तो बहुत लोग अभी आते हैं हमारे पास और उनकी सारी प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली सॉल्व हो जाती हैं एंड दे मूव ऑन दे मूव ऑन नाइसली आज की जनरेशन में मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं जी किसी को कुछ भी बात हो भाई यार मेरा ना अभी मूड स्विंग है मैं सोरी यार मैंने तो जैसे बोल दिया सोरी यार मैंने ऐसे कर दिया ये मूड स्विंग की जो अलग से एक वर्ड नया आ गया है ये क्या है कैसे समझें इसको और कैसे इसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है <laughs> मूड स्विंग्स एक्चुअली क्या होते है ओके okay, हम किसी से बात कर रहे होंगे अचानक से आ, गुस्से में आ जाना बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर देना फटकार देना सामने वाले को फिर हम क्या बोलेंगे मेरे मूड स्विंग चल रहे सॉरी मैंने तुमसे ऐसे बात hmm. कर दी सॉरी आज मैंने ऐसे बात कर दी ओके okay? ऐसे हो जाता है देर इज़ हैप्पी यू फील सैड यू फील लॉट ऑफ स्ट्रेस्ड यू फील टेंसड ओके नॉट एंगजाइटी यू फील टेंसड ये सारे मूड स्विंग्स हैं ये सिचुएशन के हिसाब से हमें होते हैं जैसे uh, आजकल तो बच्चे भी बोलने लगे हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ ओके आज मुझे बहुत मूड स्विंग्स हो रही है सुबह से मैम ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराई स्कूल में ये वेरी कॉमन एग्जांपल बहुत छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया और एक्चुअली मूड स्विंग्स बच्चों से लेके बड़ों तक में बहुत ज़्यादा होते हैं इसका एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ वेदर ओके okay. आप देखेंगे समर्स में आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे hmm. आप बहुत तुरंत फ़्रस्ट्रेट बहुत तुरंत इरिटेट हो जाते हो किसी भी चीज़ से इरिटेट हो जाते हो ठीक है हंगर आल्सो ओके इट्स अ वेरी कॉमन थिंग हंगर की वजह से भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होती हैं तो uh, ये सारी चीज़ें हैं और स्पेशली फैमिली uh, फैमिली इश्यूज को एक ऐसा फैक्टर है ना उस वजह से भी बहुत सारी मूड स्विंग्स हो जाती हैं ठीक है थीके? जैसे घर पे किसी ने मतलब थोड़ी बड़ी आवाज़ में हमसे बात कर दी वगैरह उससे भी ये सब हो जाता है और इसको मतलब क्योर कैसे कर सकते हैं हम आपको बस लाइक आई टेल अबाउट एवरी थिंग हर एक चीज़ के आप एक्सेप्ट करिए कि आपको मूड स्विंग्स हो रही है ठीक है अपने आप को थोड़ा शांत करिए आप क्यों इतना हाइपर हो जाते हो hmm. क्यों इतना गुस्से में आके बात करो आप शांत हो जाओ ओके okay? हम जितना अग्रेसिव जितना फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे ना उतनी ज़्यादा हमारी मूड स्विंग्स बढ़ेगी तो इट इज़ लाइक यू ऑलवेज़ हैव टू यू नो काम योर सर्व डाउन आपके मूड स्विंग्स भी सेटल हो जाते हैं क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट होते हैं या एंगर हमारे अंदर बहुत बॉडी में क्या क्या ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है इस्पेशली uh, अगर मूड स्विंग्स मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर रहे हो ठीक है फर्स्ट क्या होगा आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ठीक है बट uh, जो कहते हैं ब्लड बॉइल होना मेरा खून खोल उठा ये वही होता है आपको बहुत ज़्यादा हाई पैल्पिटेशन होती है हार्ट बीट्स बहुत फास्ट होती है कि आपको आवाज़ आने लगती है अपने हार्ट बीट्स की ब्रीदिंग ओके वेरी हाई ब्रीदिंग होने लगती है इस वजह से यू बिकम सो टेंस्ड एक्चुअली और आपको uh, मतलब ना उस वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं ठीक है यू कैन फेंट ये सारी चीज़ें हैं हाउ टू ब्रेक द पैटर्न मैम कैसे ब्रेक करें इस पैटर्न को चाहे वो डिप्रेशन का हो चाहे वो एनजाइटी का हो चाहे वो स्ट्रेस का हो कैसे ब्रेक करें इस पैटर्न को यस yes. uh, मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे अगर किसी को एंक्शस बहुत ज़्यादा फील भी हो रहा हो उस वक्त ये चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए ठीक है कभी कभी हम घर में हो या बाहर हो सडनली Uh, हमारा एक्चुअली जो इमोशनल स्टेट इतना चेंज हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं और ये उनमें होता है जिनकी हिस्ट्री होती है एंशियसनेस की एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि uh, वो ब्रीथ करना भी भूल जाते हैं ओके एंड इट लीड्स टू अ पैनिक अटैक इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए दर इज़ ऑलवेज अ थ्री 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 रूल ओके फर्स्ट फर्स्ट थ्री इज़ आप कोई भी तीन चीज़ मतलब पहले तो एक जगह पे खड़े हो जाओ शांत खड़े हो जाओ ठीक है आप कोई भी तीन चीज़ों के नाम लीजिए अगर आप बाहर हो तो मे बी पेड़ है रास्ता है गाड़ी है ओके सेकेंड आप कोई भी तीन चीज़ें स्मेल कर जो आप स्मेल कर सको उसके नाम लीजिए जैसे कि फूल हो किसी एक टायर की स्मेल आ गई है या कहीं से स्मोक की स्मेल आ रही है ओके और थर्ड ऐसी ती, तीन चीज़ें जिसको आप हाथ लगा सकते हो ओके या फिर बॉडी मूवमेंट थर्ड और या आप ऐसी कोई तीन बॉडी मूवमेंट करें जैसे कि अपना पैर है वो थोड़ा हिला दो फिंगर हिला दो हाथ हिला दो ऐसे सर थोड़ा हिला दो ये एक रूल है थ्री 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 रूल इट वर्क्स वंडर्स इस वजह से आपको जब पैनिक अटैक एंग्जाइटी में जब पैनिक अटैक आता है ओके okay, आपका तुरंत कंसंट्रेशन एक जगह पे लेके आता है आप ऐसे जो बिथर जाते हो ना वो नहीं होता तुरंत आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे लेके आता है इट कीप्स यू ग्राउंडेड और फिर आप आपने एकदम डीप ब्रीदिंग करनी है धीरे 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 आप रिलैक्स करते हो और ये जो आपका पैनिक अटैक आया है वो चला जाता है और वो किस सिचुएशन में होता है hmm. कि कुछ लोगों को पैनिक अटैक के साथ साथ ब्रे, ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं यस yes. ये है ये तब होता है जब आपको ना सीवियर uh, एंजाइटी की हिस्ट्री होती है विथ डिप्रेशन ओके और uh, आपकी इसके लिए काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट चल रही हो एंड ऑल बट इफ इट हैज नॉट रिड्यूस्ड देन यस इट कैन लीड टू यू नो हाइपर एंजाइटी अलॉन्ग विद हैम्रिच डन मैम तो काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया वैसे तो बट ठीक है यार ये देखो डराने के लिए पॉडकास्ट नहीं था सॉल्यूशन के लिए पॉडकास्ट था ठीक है और अगर आपको भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए तो मैम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमने जो मेजर पॉइंट्स आज की यूथ के ठीक है या जो आज इन चीज़ों से गुजर रहे हैं या इन चीज़ों को फेस करके आ चुके हैं ठीक है थीके? अगर आपकी हेल्प हो जाएगी इसलिए पॉडकास्ट बनाया था ठीक है डरना किसी को नहीं है चीज़ों से मुझे लगता है कि डट जाओ खड़े हो जाओ और सोल्यूशन ढूंढो क्यों मैम डेफिनेटली लास्ट में कुछ मैसेज <coughs> देना चाहेंगे आप श्योर sure. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें डरना नहीं है ओकि okay, एक्सेप्ट करो कि कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही है ये सिचुएशन में अगर हम हैं ठीक है ऑल राइट एक्सेप्ट करिए डरना बिल्कुल भी नहीं है हम आजकल जिस एरा में है हर चीज़ के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है रीच आउट टू समबडी किसी की हेल्प ले लो कोई फ्रेंड या एनी बडी किसी की हेल्प ले लो एंड ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन रिमेंबर नथिंग इज़ परमानेंट एवरी थिंग इज परफेक्ट मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू एवरी वन